राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा, जात पात की राजनीति से सुर्खी विधानसभा कोसों दूर है। दोषी वन विभाग के अधिकारी रेंजर को सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने कहा, भाजपा गरीबों को न्याय देने में किसी भी प्रकार से पीछे नहीं है। सुर्खी विधानसभा के रैपुरा गांव में जो घटना हुई थी, घटना के बाद मैंने तुरंत पता किया और वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने जो अतिक्रमण तोड़ा, तो मैंने कलेक्टर से कहा था कि नोटिस पहले दिए जाना चाहिए थे। अगर नोटिस नहीं दिए गए हैं तो रेंजर पर कार्रवाई होना चाहिए। कलेक्टर ने सुबह ही आदेश दिए और रेंजर को सस्पेंड कर दिया गया है। उसके बाद जो भी उनको आवश्यकता है, मकान की आवश्यकता है तो मकान सरकार देगी, प्लाट की आवश्यकता है तो प्लाट की व्यवस्था भी सरकार करेगी। मेरी सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि गरीबों के साथ ये सरकार हमेशा खड़ी है और सरकार हमेशा खड़ी रहेगी। सुर्खी विधानसभा में माननीय दिग्विजय सिंह जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सुर्खी विधानसभा में हम लोग जात पात की राजनीति नहीं करते। हमारी विधानसभा में दलित हो, सामान्य हो, पिछड़ा हो, हम सब लोग एक थाली में खाना खाते हैं, एक परिवार की तरह रहते हैं। आप ट्वीट जल्दी कर देते हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि दलितों के नाम पर राजनीति बंद करिए। सुर्खी परिवार सारा परिवार एक है, एक धागे की तरह हम लोग एक साथ रहते हैं, एक धागे की तरह पुरोहित।